हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव जी और ब्लॉग्स। आज है 16th of November और भाई साहब रात को नानी जी के गांव आ गए थे और भाई साहब नाक भी बंद हो गई है और गला भी एकदम बैठ गया है। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है सीरियसली, और आज पूरा दिन नानी जी के गांव में रहेंगे। कल फिर आगे पीलवा जाएंगे और उसके बाद में फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो भाई सीरियसली ट्रिप अभी बढ़िया चल रही है, और व्लॉग में अपना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, सो स्टे ट्यून फ्रेंड्स। सो दोस्तों, अभी हम नहा के रेडी हो गए हैं और आपको बताया था कि हम रात को नानी जी के यहाँ पे आ गए थे, और सीरियसली बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देसी गीज़र दिखाता हूँ, देसी गीज़र कैसे होता है देखो। ये है पानी, ये मेरे मामा जी का लड़का है, और ये हो गया गरम। ये है देसी गीज़र। इस गीज़र को जैसे अपने इलेक्ट्रिक वाला गीज़र 10-15 मिनट में हो जाता है, इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, आधा एक घंटा लगता है। तो भाई यहाँ पे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं। आपको दिखाता हूँ यहाँ का एनवायरनमेंट, आपको पीछे से भी पता चल रहा होगा कि बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। ये देखो, और ये है नानी जी का घर। देखो, गाड़ी रात को यहीं पार्क कर दी थी, बिकॉज है ना बाहर खड़ी नहीं कर सकते, बाहर खड़ी नहीं करी। एंड चलो अभी अंदर चलते हैं, और मामी जी नेचुरल गैस पे खाना बना रही है चूल्हे पर, वो दिखाते हैं आपको। चलो, पापा यहाँ पे बैठे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। चलो, ये देखो, ये है नेचुरल चूल्हा, यहाँ पे बन रहा है खाना। अपनी देसी बाजरे की रोटी खाएंगे। एंड ये मामी जी है, बड़े वाले मामी जी है। मामी जी क्या कर रहे हो आप? नानी जी से आप सूरत में भी मिले थे, सूरत में भी वीडियो डाली थी जिस टाइम हम शिरडी जा रहे थे ना, उस टाइम आप नानी जी से मिले थे, मैंने वीडियो अपलोड करी है, वो भी आप जाके देखना प्लेलिस्ट के अंदर। चलो, ये देखो दोस्तों, अपनी देसी बाजरे की रोटी, गुड़ जो दिल्ली में खाते थे वो, और ये अपनी राजस्थान की सब्जी, इसका स्वाद ही अलग है। और ये मिर्ची, एंड यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सही बताऊँ, यही ब्रेकफास्ट होता है इस मिर्ची के साथ में, लहसुन की मिर्ची, हरी मिर्ची, हाय हाय, खाने का मजा ही हो रहा है। और नानी जी यहाँ पे बैठे हैं। नानी जी से मिलके कैसा फील हो रहा है आपको? नानी जी से मिलके मेरे को इतना मजा यार, इतने खुश हूँ मैं, सब कुछ। और रात में 12:30 बजे घर पे पहुँचे, और आज हम साथ में मामी जी से खाना खा रहे हैं। तो हमारे रिवाज ये है, देखो ये सबको है ना खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, देखो फिर हमारे को भी खिलाते हैं। ये देखो सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, ये मिर्ची की सब्जी है, ये मीठे बड़े वाले मामी जी। प्योर देसी खाना, नेचुरल। तो दोस्तों चलो, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बाहर चलते हैं। और देखो, अब आवाज़ सुनना, नानी जी के खेत का है, इसको कहते हैं बाड़ा। अभी चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने गोवर्धन पूजा की पूजा करी थी। चलो अंदर चलते हैं। ये गेट बहुत पुराने टाइम का है, मम्मी बताती है 15 से 20 साल पुराना है। और ये अभी छोटा बच्चा भैंस का, ये अभी हुई है। कितना बढ़िया एनवायरनमेंट है, चारों तरफ शांति और सब पशु पक्षी बोल रहे हैं। और ये रहा घर, ये भैंस। मुस्कान, हाँ। क्या बोलोगे? मैं तो बस यही कहूँगी, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आए हैं, लगभग अराउंड 1 साल पहले आए थे, ठंड में जब मेरे कज़न ब्रदर पंकज की शादी थी ना, जब आए थे यहाँ पे। तो उस टाइम एक्चुअली क्या है, व्लॉगिंग करने से शर्माता था मैं, और अब भी आए हैं तो अब एकदम मतलब एकदम बेझिझक होकर व्लॉगिंग कर रहे हैं। एंड ये सब देखते कितना मज़ा आता है सीरियसली।
गाइस अभी मुस्कान के साथ एक प्रैंक करता हूँ, देखना। मामा जी ने अपने खेत में पपीते लगा रखे हैं, सब सब नेचुरल है। और आपको भिंडी भी दिखाता हूँ, ये देखो अब आपको दिखेगी, ये देखो एक ये भी, और भी देखी थी, और देखो ये सामने ही है, ये रही सब भिंडी है। इसीलिए गांव वालों को ऐसा नहीं बोलते कि है ना इनकी सेहत इतनी बढ़िया होती है, इनकी सेहत एकदम, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं। गौशाला से गाय छोटी है इतनी सारी गांव में, देखो देखो गांव के अंदर आते हैं तो ऐसे मीटिंग्स होती है यहाँ पे, ये सब हमारे भाई बंधु हैं। तो दोस्तों अभी बड़े वाले मामा जी के पास आए हैं जो खेत में रहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। ये देखो वो रहे मामा जी, खुला बोल लो वो रे मामा जी, चलो अब चलते हैं। ये रही मिठाई, काफ़ी टाइम बाद आए, चलो मामा जी के पास चलते। मामा जी प्रणाम। ये देखो छोटा लड़का, ये देख रहे कौन आ गए। हेलो भैया पढ़ना हो, कैसे हो, ये रो क्यों रहा है, अरे सुनो वो देखो इनका बढ़िया सही है। सो दोस्तों अभी हम आए हैं मामा जी, बड़े वाले मामा जी के घर पे, जो बेसिकली खेत के अंदर है। और अभी यहाँ पे सब फसल कट गई है, और अभी यहाँ पे उनके उस खेत में काम चल रहा है। और ये मामा का पूरा खेत है मामा का, यहाँ पे घर बना रखा है। ये भैंस एक यहाँ पे और बाकी उस साइड है। भाई सच बताए तो गांव की बात कुछ और ही होती है, सीरियसली मज़ा तो खूब आ रहा है यहाँ पे, और बहुत नई नई चीज़ें देखने को भी मिलती है। क्योंकि पहले जब मैं आता था तो उस टाइम व्लॉग शूट नहीं करता था, और व्लॉग तो अभी शूट करना स्टार्ट करा है। तो भाई जो नेचर से जुड़ा हुआ बंदा रहता है ना, उसको पता रहता है कि कैसा उसको फील होता है कि कैसे, मतलब सब देखते हैं एनवायरनमेंट को। और ये देखो ये पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या चीज़ है, ये तो नहीं जानता। चलो ये देखो मामा बोल रहे थे इस खेत में इन्होंने सरसों कर रखी है पूरी, ये सरसों ही है। और अभी आपको कपास दिखाता हूँ, कपास यानी रुई दिखाता हूँ आपको कि रुई यहाँ पे मामा ने जो कर रखी है वो कहाँ रख रखी है। देखो ये रही रुई, ये पूरी रुई कपास बोलते हैं ना रुई, वो है ये। एंड ये भैया यहाँ पे एक्चुअली ये भैंस भी डर रही है, चलो नग रहे देखो इसके। अभी यहाँ पे आए थे और इतना मज़ा आ रहा है मिलके। सो अभी देखो आपको दिखाता हूँ छोटे वाला लड़का क्या कर रहा है। ये देखो जब से आया फ़ोन में लगा हुआ है,
मतलब नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लंगोट की गलियों में घूम रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है, अभी बाज़ार में आए हैं और ये भाई मेरे साथ है, आपका शुभ नाम श्रवण कुमार जी, और अभी चलते हैं। एक्चुअली क्या है, जो लास्ट वाली वीडियो डाली वो अपलोड भी नहीं हो रही, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा था और आधे घंटे से इतना वेट कर रहे थे, आधा घंटा क्या 7 से 8 घंटे लगे तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं हुई। तो अभी चलते हैं आगे और आगे का आपको व्यू दिखाते हैं। यह है पूरा लंगोट गांव, ये देखो भाई साथ में, और ये रहा लंगोट गांव। चलो तो दोस्तों देखो, राजस्थान में मौसी के घर पे आ रहे थे और यहाँ पे देखो सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। देखो यह है मिर्ची, दिख रही है आपको? हेलो राजीव भाई, राम राम। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो चिड़िया का घोंसला। अरे यार मैं ये जो चिड़िया ने घोंसला बनाया है यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे मिर्ची के पौधे भी, नानी के गांव में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। और अब यहाँ से मौसी के घर से चलते हैं, यहाँ से सीधा नानी के गांव। आज रात को नानी के गांव में ही स्टे करेंगे और कल सुबह जाएंगे यहाँ से पीलवा। सो फ्रेंड्स अभी जर्नी आगे और बाकी है, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों देखो अभी मौसी के घर पर आ रखे थे और सब अभी यहाँ पर हैं। ये अपना राजस्थानी मारवाड़ी कल्चर है कि यहाँ पर जब निकलते हैं तो सब तिलक लगाते हैं और फिर अभी यहाँ से जाते हैं। एंड ये देखो सब यहाँ पर, तो ये हमारे बड़ी दीदी है उनका परिवार। हाँ ये हमारी मौसी जी है, ये भाभी है, ये सबसे बड़ी मौसी है हमारी, मम्मी की बहन। चलो देखो दोस्तों, ये नीलगाय के बोलते हैं, और ये नीलगाय आदमी की आवाज़ सुन के या लाइट देख करके और इतनी तेज से दौड़ती है कि मतलब ये चलती हुई गाड़ी के अंदर में भी कूद जाती है, तो गाड़ी को भी ज़्यादा हानि कर सकती है और ड्राइवर को भी। कभी भी आप हाईवे पे चलाते हो तो अपनी सीमा और अपना सही समय पे उतनी गाड़ी चलाओ जितनी मतलब आपकी स्पीड आप लेवल कर सकते हो। इनको लाइट से तो इतना बेचैनी होती है और दिखता कम है मेरे हिसाब से, कि नीलगाय को लाइट में कम दिखता है, और ये स्पीड से दौड़ के आती है, और इन्होंने हॉर्न सुन लिया तो फिर तो ये चमक के चली जाएगी। तो आपने अभी देखी नील गाय रेनडियर, ये भाई साहब हॉर्न से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अभी पापा वीडियो बना के आए हैं। ये है मामा का खेत, चलो, और इसके पास में ये टंकी भी दे रखी है। चलो अब अंदर चलते हैं, स्टोर करते हैं, और पानी का स्टोर करने के बाद में इसकी सिंचाई पूरे इस खेत के अंदर में, इस जाव में करेंगे अभी, और इसके अंदर में बिजारी होगी अभी, और बिजारी भी होगी सही, सौंप करेंगे, ये सब गोल करेंगे, और ये पूरा पानी का स्टोर ऐसे करते हैं। ये देखो ये बिल्कुल पानी का स्टोर है, और ये गवर्नमेंट की टंकी है जो गांव वालों को सप्लाई करने के लिए, तो गांव वाले इस पानी पीते हैं। और ये पानी की ट्यूबवेल बोलते हैं इसको, ट्यूबवेल का पूरा, जब तक लाइट आती है ना, लाइट आने के बाद में ये पूरा स्टोर कर लेते हैं, लाइट चली जाती है तो इसी से ये अपना इंजन लगा करके जो सप्लाई करते हैं वो पानी की सप्लाई कर लेते हैं। ये देखो ये गुआरा किस आए हाय। तो दोस्तों अभी आपने देखा मामा जी का खेत, और अभी आगे चलते हैं यहाँ से, एक और नई चीज़ दिखाता हूँ आपको जो पुराने वाले ब्लॉग में नहीं बताई। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और पापा ने भी अभी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि ये क्या है, यहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं। एंड ये हमारे मामा जी है, यहाँ पे बात कर रहे हैं फोन पे, ये मामा जी के छोटे छोटे बुलबुल जैसे बच्चे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। दोस्तों ये है पेड़, इस पर लगते हैं बोर, ये देखिए इधर देखिए कैमरा मैन, ये है इस पे बोर्ड लगता है, और अभी नीचे गिरे हैं, देखो दिखाते हैं। देखो पहले मैंने तोड़ दिए थे, और ये रे बोर, ये मामा जी के खेत में लगे, जो छोटे वाले मामा नहीं है उनके खेत में लगे। देखो इतने बढ़िया होते हैं, इसको मारवाड़ी भाषा में बोर कहते हैं, और अपने हिंदी में भी इसको बोर ही कहते हैं ना, बेर 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 कहते हैं इसको। ये देखिए तो भी खाते हैं, मीठा है, अगर ये ग्रीन रहे तो मत खाना, और अगर ये लाल रहे तो एकदम पक जाते हैं फिर खाना, अब बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों एक चीज़ और देखिए, बाजरा किस पे लगता है, बाजरा मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो
इसको सीटी कहते हैं, सीटियाँ, मारवाड़ी में सीटियाँ कहते हैं। ये देखो इसके ऊपर बाजरा लगता है, फिर इसको मशीन आती है, वो मशीन के ऊपर ऐसे पूरा एकदम जैसे निचोड़ते हैं ना वैसे करते हैं, फिर उसके बाद में इसमें से निकलता बाजरा। दोस्तों देखो एक चीज़ और देखिए, अभी चलते वक्त आपको दिखाता हूँ, ये है पेड़ केर का, जो मारवाड़ी में केर सांगरी नहीं बोलते हैं, ये देखो इतने सारे लगे हुए हैं इस पेड़ पे, और इस पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला भी है। देखो ये लाल लाल जो दिख रहे हैं ये सारे, और अभी मैंने तोड़े हैं, देखो दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये तो है बेर, और ये देखो ये है केर। इसका मम्मी अभी बताती है इसका क्या क्या यूज़ होता है, बताओ। इसका अचार भी डलता है, सब्जी भी बनती है, और इतनी टेस्टी बनती है अचार, तो इतना मज़ा आता है। बाजरे रोटी के साथ में खाते बहुत मज़ा आता है यार। रियाज में आके मेरी मम्मी के खेत में आ रखी हूँ, फिर इतना मज़ा आ रहा है। देखो मामा का खेत है, भाई साहब ये खड़ा है इधर, और गुल्लू उधर, यहाँ पे ट्यूबवेल भी करवा रखी है। उठा रही है, देखो वो बेर कैसे उठा रहे हैं, देखना अभी। ये मामा जी का छोटे वाला लड़का है, चलो। बेर जो है ये कौन से पेड़ पे लगता है? इस वाले बेर। अच्छा, और ये कौन से महीने के टाइम पे होता है? ये सर्दी में लगता है। सर्दी मतलब 3 से 4 महीने? अच्छा, ये 3 से 4 महीने होते हैं। ये रे बेर बोर दे दे। अरे वाह यार क्या बात कर रहे हो, ये आपके खेत के बोर है बेटा, बिल्कुल लाल, खट्टे मीठे भी होंगे। ये बोर पापा टेस्ट करके बताएंगे, बताओ पापा। राजस्थान के भाई यार ओरिजिनल, ये शहर में मिलेगा भी नहीं भाई, ये हाथ से तोड़े हुए बेर है और अपने खेत में लगे हुए हैं। और ये है केर, जो केर सांगरी की सब्जी खाते हैं वो वाला केर है। सो गाइस फाइनली आज रात को नानी जी के यहीं स्टे कर रहे हैं, और आज का पूरा व्लॉग तो नानी जी के खेत में ही निकला, और नानी जी के घर पे सब मामा से मिलने के, सब मामा जी से मिलने के, मीन्स सब मामा जी के यहीं मिलने में निकल गया। और भाई साहब इतना मज़ा आया सबसे मिलके, एंड सारी चीज़ें नेचुरल देखी, पेड़ पर कैसे लगती है, सारी चीज़ें नेचुरल पता करी कि ये चीज़ क्या होती है। और गाइस अब यहाँ से कल सुबह जाएंगे पीलवा। सो गाइस एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग जस्ट हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गौरव जीवाल व्लॉग्स।